Hello, Asslam. I am Mishi. Welcome back to my channel. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ऑरेंज पील का ऑयल, ठीक है। इसको हम ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी कह सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि ऑरेंज में विटामिन सी जो होता है काफ़ी मकदार में होता है, सो और इसके छिलकों में इससे भी ज़्यादा होता है। सो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हैंड्स के लिए, हमारे फीट के लिए और हमारे इवन के हेयर्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल। आप इसको यूज़ ट्राई कीजिएगा, अपने हेयर्स पर भी लगाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं इसके। मैं यूज़ करती रही इसको। सो चलिए स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक ऑरेंज लिया है और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको उसे खाने के लिए छीलते हैं, उसके छिलके बड़े बड़े उसको छोटा छोटा करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको ग्रेट करूँगी क्योंकि ग्रेट करके इसको अगर मैं ऑयल बॉइल करूँगी तो इसका मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ऑरेंज को सारा इसके पील को ग्रेट कर लिया है अच्छे तरीके से सारा, और ये मेरे पास आ गया है इसका सारा पील इस तरीके से ग्रेट करके, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैं इसको क्या करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे कोकोनट ऑयल, 1/4 कप कोकोनट ऑयल लेना है मैंने। जैसे कि पता है कितने भी बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। तो अब मैं जो मैंने ऑरेंज पील को ग्रेट किया था उसको मैं इसके अंदर डाल के इसको बॉइल करूँगी, डबल बॉइल मैं करती थी। जो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको बॉइल करूँगी। फिर मैं मैंने पानी ले लिया और ये बॉइल मैंने उसके कोकोनट ऑयल के अंदर डाल दिए और इसको पानी में डाल दिया कि इसलिए अधिक हो जाएगा हमारे पास। तो अब मैं इसको चला दूँगी देखो, और अपनी आँख जो है वो ना ज़्यादा आपने हल्की रखनी है और ना ज़्यादा तेज़ रखनी है, बिल्कुल दरमियानी आँच पे हमने इसको पकाना है। इसके साथ साथ हिलाते रहिएगा और देखते रहेगा इसका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहेगा। तो देखिए कि हमारा जो पानी है वो भी बॉयल हो रहा है और साथ साथ जो मैंने ऑरेंज पील ग्रेट करके ऑरेंज कोकोनट ऑयल में मैंने रखा था वो भी बॉयल हो रहा है, साथ साथ मैं उसमें चम्मच चला रही हूँ। तो इसको हमने 4 to 5 मिनट्स जस्ट इसको करना है तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैं इसको हला रही हूँ 7-8 चम्मच से और मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं। सो इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज लग रहा है मुझे, मैं चेक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया, वाइट होता है कोकोनट ऑयल और इसका येलोइश कलर में आ चुका है। बस अब नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए मैं इसको एक जार में निकाल लूँगी, ठीक है, एडर जार या कुछ भी ले लें आप इस तरह का जिसमें कि ये ठीक से रह सके और कुछ हो सके। फिर इसको मैं अच्छे से छान के उसको निकाल लूँगी इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं क्या करूँगी जो मैंने ऑरेंज पील था वो सारा के सारा वापस इसमें डालूँगी फॉर मोर इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। मैं इसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से बंद करके रखूँगी, ठीक है। इसको आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है, आराम से ही आपका ठीक रहेगा। इसको सुबह मॉर्निंग में लगाएं, नाइट में लगाएं सोने से पहले और देखिएगा इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगा
और एंटी एजिंग है ये। आप देखिए कितनी भी क्रीम वगैरह होती है विटामिन सी उनमें विटामिन ए नहीं होता है और एंटी एजिंग है, ठीक है। तो ये देखिए इसका कलर कितना जबरदस्त आया है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी, देखिए यहाँ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ इसकी स्मेल। इसमें जरूरत है आप कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।